हम तो हर 2 साल में गाड़ी बदल ही लेते हैं, और वैसे भी देखो ना, हर 6 महीने में नया मॉडल आ ही जाता है। भावेश, इस बार एसयूवी लेने का इरादा है, वो भी इंपोर्टेड। मुसीबत। नहीं, आपको नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन तब तक कोई अच्छी फिनांस स्कीम। हाँ, ओके ओके, बाय। नमस्कार विनी, नमस्कार। आइए बैठिए। बड़े दिनों बाद याद आई हमारी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो घर गृहस्थी के समय नहीं मिल रहा इसलिए। हाँ, काम ही की तो मारा मारी है। अब मुझे देखो ना, कहाँ वक्त मिलता है, इतना काम है, इतना काम है। अच्छी बात है ना, आपका काम बस ऐसे ही चलता रहे, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। कहाँ भाभी, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं, खाने के दांत और होते हैं। लोगों को तो लगता है कि मैं लाखों में कमा रहा हूँ, लेकिन हालत बहुत बुरी है। पिछले 2 महीने से घर के और कार के जो लोन के हफ्ते ना, वो भी मैंने उधारे पे दिए हैं। लेकिन कहते ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बस मुझे भी उम्मीद है कि एक ना एक दिन मेरे धंधे की मंदी चली जाएगी और धंधा अलग है, रिश्तेदारी अलग है। वो आशा, आशा कहाँ है? बुलाता हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो और पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बात ही ऐसी है, कावेरी वहिनी आई है बाहर। क्या, कावेरी वहिनी आई है? बड़े दिनों बाद आई है। बस 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 बस, खुश होने वाली बात नहीं है, जरूर पैसे मांगने ही आई होगी। आजकल तो पैसे कमाना ही अपराध है, जिसे देखो मुंह उठाकर मेरे पास आता है पैसे मांगने। कैसी बातें कर रहे हो, कुछ सोचते भी नहीं हो। अरे, उन्होंने कभी आपसे पैसे मांगे हैं और आपने कभी दिए हैं? सब रिश्तों को पैसों से नहीं तोला जाता है। अरे, वो आपसे मिलने आएंगी, आखिर आपकी वो वहिनी है। जब भाई नहीं रहा तो वहिनी किस बात की। मैं सिर्फ इतना बोलने आया हूँ कि अगर वो पैसे वैसे मांगेंगी तो कुछ मत कहना, गरीबों वाली शक्ल बनाकर सर झुका कर खड़े रहना, बाकी सब मैं संभालूंगा। पर आप इतना, जितना कहा है उतना समझ लो, और वैसे भी उन लोगों को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरा परिवार है, मैं उससे देखूं या उन लोगों को। अपनी मेरे एब्सेंस में सब कुछ जिस तरह से तुमने संभाला है, वाकई काबिले तारीफ। इट्स माय जॉब सर। सर, ये कृष्णा पार्क। ये कृष्णा पार्क रीडेवलपमेंट स्कीम के कोटेशन भेज दी? जी सर। किसने भेजे? मस्करे ने। आर यू श्योर? जी सर। दिमाग खराब हो गया इस मस्करे का, नींद में काम करता है कि नशे में? क्या हुआ सर? क्या हुआ, ये देखो क्या किया उस इडियट ने, लुटवाएगा मेरी कंपनी को ये मस्करे। जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ रुपए, उसमें 40 लाख रुपए का, सिर्फ 40 लाख का कोटेशन भेज दिया इसने। आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट। गाइस, इडियट। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी शर्तों के साथ स्वीकार करता हूं। आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना किस्मत की बात होती। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। कौन है भाई ये? आप? I'm sorry, sir, वो मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? हाँ? कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, दान में दे दोगे इस कंपनी को? सर, वो सर मुझे समझ में। तुम यहाँ काम करने आते हो कि घास काटने आते हो? क्या कोटेशन दे तुम्हें? ये 4 करोड़ की जगह सिर्फ 40 लाख। कितना नुकसान होगा अब मेरा, इसका जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारी जिंदगी भर की सैलरी भी उतनी नहीं होगी जितना तुमने मेरा नुकसान कर दिया।
सर, सर आई एम सॉरी सर। बहुत सॉरी। जब सैलरी का चेक मिलता है तो 10 बार चेक करते हो कि कहीं टीडीएस ज्यादा तो नहीं काट दिया, और कोटेशन चेक नहीं कर सकते थे दोबारा? Get out of my office. सर सर प्लीज मेरी बात सुनो। एक बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी मैं, कल सुबह लीगल नोटिस मिल जाएगा तुम्हें। इतना बड़ा एक्शन मत लीजिए प्लीज सर, संजाने में गलती हो गई होगी उससे। सर मैं एक बार ट्राई करूं प्लीज। कोई फायदा नहीं होगा अपनी, अब तक तो वो वहां पहुंच भी गया होगा, फाइनल हो गया होगा सब कुछ। सर बस एक मिनट दीजिए। तुम नहीं समझती हो अपनी। सर मैं किसी को जानती हूँ वहां पे, आई जस्ट चेक इफ। हाँ हाय मुग्धा, मैं अवनी बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। मुग्धा एक छोटा सा फेवर चाहिए था, वो हमारी कंपनी से कोटेशन आया है वहाँ पर, कृष्णा पार्क रीडेवलपमेंट स्कीम वाला। हाँ 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 वही। प्लीज़ मुझे बताएगी उसका स्टेटस क्या है? ओह अभी तक गया नहीं है। ओह थैंक गॉड। अच्छा प्लीज़ उसे रोक सकती है, मुझे थोड़े से करेक्शंस करने थे। मैं सुबह सुबह भेजती हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। सर हमारा नुकसान होने से बच गया, अभी तक कोटेशन फाइनल डिसीजन के लिए गया नहीं है। सर मैं करेक्शन करके सुबह फाइल भेज दूंगी। आप प्लीज मस्करे को माफ कर दीजिए। नहीं 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 अपने, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसे माफी नहीं मिल सकती। मेरा नुकसान होने से बच गया इसलिए मैं इस पर लीगल एक्शन नहीं लूंगा। लेकिन ही इज नॉट गुड टू वर्क इन माय ऑफिस। सर गलती सबसे होती है, और फिर मस्कर ईमानदार है ये आप भी जानते हैं, ये उसकी पहली गलती है। सर प्लीज उसे लास्ट चांस दे दीजिए, माफ कर दीजिए उसे प्लीज। सर अवनी की सिफारिश पर एक मौका और दे रहा हूं मस्करे, दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Mind you. Thank you, sir. Thank you, Omni. कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, पर अगली बार ध्यान रखना। क्या तू बरी है ना? हो पर मैं आपसे नाराज हूँ वहीनी। अरे इतने महीनों बाद आप आज आई हैं? नहीं नहीं वो घर गृहस्थी में समय नहीं मिल रहा था, लेकिन आज तो बात ऐसी है कि आना ही पड़ा। क्या बात है वहीनी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो अवनी की शादी तय हो गई। क्या? अरे वाह खरच, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। काहो? हाँ 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 अभिनंदन वेनी, बहुत अच्छी खबर है। हेलो सर, मैंने आपकी नई कार का कोटेशन मेल किया है, अच्छी फाइनेंस स्कीम है। अरे हाँ भाई, वो लोन अरेंज करवाओ ना प्लीज, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। हाँ सारा काम रुका हुआ है, धंधा डूब जाएगा मेरा। जी सर। हाँ भाई, अरे पैसे की जरूरत है इसीलिए तो बैंक में चक्कर लगा रहा हूँ मैं। सबको लगता है मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन हकीकत तो मुझे ही मालूम है ना। सर मैं कुछ समझा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आप नई कार की बात कर रहे थे और। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, पैसा चाहिए, नुकसान हो जाएगा मेरा, मैं तो रस्ते पे आ जाऊंगा ना। ओके चलो भाई। हाँ तो भाभी कौन सी तारीख पक्की की है? अवनी के साथ मेरा आशीर्वाद है ही, आखिर अवनी भी मेरी ही बेटी है ना। अवनी? हाँ? मिस्टर भास्कर का फोन आया था। ओह कब? जब तुम बॉस के साथ थी तब आया था, और उन्होंने कहा कि वो तुम्हें दोबारा फोन कर लेंगे। ठीक है।
अरे बार बार सिक्के डाले जा रहा है वो, और तू है क्या एंगेज किए बैठी है, खुद ही कॉल क्यों नहीं कर लेती उसे? पागल है क्या? ऐसे ठीक नहीं लगता। अच्छा जी, ठीक नहीं लगता। जैसे ही उसके फोन के आने की खबर सुनी ना, तेरा फेस 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक रहा था, और अब कहती है ठीक नहीं लगता। ये क्यों नहीं बोलती दिल नहीं लगता? इस फोन को ऐसे देखे जा रही है ये कब इस फोन की घंटी बजेगी और कब दिल की घंटी बजेगी, है ना? तो बेकार की बात मत कर और मुझे काम करने दे। मेरी बात अब बेकार लगने लगी? जरा देखूं तो क्या लिख रही है। देखो मैडम जी ने क्या लिखा है। मेरी जान भी तुम, जहान भी तुम, अरे गुल भी तुम, गुलिस्तान भी तुम। I love you, Bhaskar, I love you. उषा, ये सब और का मजा ऑफिस ही सब। अरे ऑफिशियल लेटर है ये, तुम लोग उषा की बातों में कहाँ जाते हो? ये शोर क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, वो फाइल चाहिए थी बस। अब नहीं, मेरे कैबिन में आओ। जी सर। अच्छा तो मैं जी सर। क्या चल रहा था बाहर अभी? सर वो कौन है मिस्टर भास्कर, हमें भी तो पता चले। सर एक्चुअली वो मुझे देखने के लिए आए थे। अच्छा, तुम्हें देखने आए थे रिश्ते के लिए? जी। पर पसंद आया कि नहीं तुम्हें? हाँ सर, मतलब। क्या मतलब हाँ सर, हाँ? इतनी डर क्यों रही हो? कहो कि हाँ पसंद आया, बात पक्की है, बस शादी की तारीख पक्की होनी बाकी है। जी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें सबको ट्रीट देनी होगी। जी सर। एक मिनट अपनी। जी भाई, तुम्हारी शादी की तारीख जब भी पक्की हो, आई विल डू ऑल द अरेंजमेंट्स। तुम्हें किसी तरह की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, पर इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने इतना कह दिया, मेरे लिए बस वही काफी है सर। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन इस कंपनी के सबसे काबिल एम्प्लॉय होने के नाते और मेरे लिए मेरी बेटी जैसी होने के नाते तुम्हारी शादी की सारी अरेंजमेंट मैं करूंगा। सर दिस इज माय ऑर्डर। मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे तुम? ओके सर। वो लड़का सचमुच बहुत लकी है जिसके तुमसे शादी होने वाली है। गॉड ब्लेस यू बोथ। वेनी, बड़ी खुशी हुई है उन्हीं की शादी की बात सुनकर। लेकिन क्या किस्मत है, देखो ना, एक तरफ शादी की खुशी है तो दूसरी तरफ मंदी छाई है। मैंने तो सोचा था शादी का सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, लेकिन अब क्या कहूं वैनी वैनी, हालात ही इतने बुरे हैं कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं ये मंदी अब कब उठेगी। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, पापा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी तो बहुत तरक्की होगी। सिर्फ एक बिनती है, आप सगाई में जरूर आइएगा। अब तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा। आओ। पर किस मुंह से जाऊंगा मैं वहां? आओ जी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। आप बड़े हैं इस घर के, आपका वहां होना जरूरी है, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ वैसे ये लव मैरिज है ना, क्या लव मैरिज में खर्चा कम होता है ना? नहीं, लड़का हमारे पसंद का है। अच्छा, तो सारा खर्चा लड़के वाले उठाएंगे क्या? नहीं तो, हमने बहुत पहले सोचा था तो थोड़ा बहुत जोड़ के पैसा जमा किया था, वही काम आ जाएगा। लेकिन आप जरूर आइएगा। हाँ वैनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? वैनी मैं चलता हूँ, ऑफिस में जाना है। क्या है, ऑफिस में मांगने वाले लाइन लगा के बैठे हैं। वैनी में निभू आता प्रकाश, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। अब इतने दिनों बाद आई हूँ तो खाना खा के ही जाना। नहीं आशा,
मुझे निकलना होगा। अब तुम दोनों हमारे घर आओगे तो साथ में मिलकर खाना खाएंगे, लेकिन सगाई में आना जरूर। भौजी को मना लेना। कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा है वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। अब अगर ऐसा ही हो जाए। हेलो। हाय अवनी। भास्कर। हाय। आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहिए। दरअसल मुझे तुमसे मिलना था। इसी बहाने हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान मिलेंगे। कभी भी ऑफिस के बाद। पर वो मिलना सिर्फ थोड़ी देर के लिए। अगर तुम बिजी हो तो इट्स ओके। लेकिन सच कहूं, अगर तुम हाँ बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं एक्चुअली ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है आज, पर इस तरह से मिलना। तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, और अगर तुम कहो तो तुम्हारी आई से परमिशन ले लेता हूँ। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आई से मैं बात कर लूंगी। तो 5 बजे सारसबाग। ठीक है 5 बजे सारसबाग। तो शाम को मिलते हैं। और हाँ आंखें निकले। थैंक यू बाय। ओके बाय। अरे 2 रुपए के मुरमुरे दे। अरे साहब 5 रुपए का भेल ले लो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। जो बोल रहा हूँ कर दे। जल्दी दे यार। ये लो ले, पकड़ अपने पैसे। हाय सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे नहीं नहीं मैं तो बस अभी आई। वो एक्चुअली आज मंदिर गया था तो बहुत भीड़ थी वहां पर। ओह आप मंदिर भी जाते हैं? अच्छा हाँ आज तो मंगलवार है, हनुमान जी को मानते हैं? चाहे हनुमान जी हो या श्री राम जी, मेरे लिए तो हर भगवान एक समान है। जब भी मौका मिलता है चला जाता हूँ उनके दर्शन करने। वो क्या ना मन को शांति मिलती है। अब ये प्रसाद लाया था रात के लिए। आइए ना बैठिए ना। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।